हेलो मेरे शाइनिंग स्टार, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा में। मैं आपकी दोस्त, आपके हिंदी की अध्यापिका, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपकी हिंदी पुस्तक तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय अमित पब्लिकेशन से पाठ 9, जिसका शीर्षक है गले पड़ी शरारत। बच्चों, खेल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करते हैं। अच्छा, आपको कौन सा खेल पसंद है बच्चों, ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों से ज़रूर विचार करके, विमर्श करके ज़रूर आपस में डिस्कस करना कि और बताना कि हमको ये वाला खेल पसंद है और ये वाला खेल क्यों पसंद है और इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। और आपस में डिस्कस करना खेलों के बारे में, क्योंकि खेल बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। ठीक, शरारत करना बच्चे का स्वभाव होता है, किंतु थोड़ा बड़ा होने पर उसे अच्छे बुरे का अंतर समझ आने लगता है। ऐसी शरारत, किसी को कष्ट हो या अपमान हो, करना अच्छी बात नहीं है। प्रस्तुत नाटक से बच्चे सीख ले सकते हैं कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। ये एक नाटक है जिसमें पात्र हैं, जो इसके पात्र हैं वो हैं मास्टर जी, यानी स्कूल के एक अधेड़ शिक्षक, थोड़े से बड़े बूढ़े शिक्षक, मोहन, हरीश, चुन्नू और अनिल, और सभी कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं, कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं ये सब। तो बच्चे आधी छुट्टी होने पर इधर उधर टहल रहे हैं। मोहन और हरीश एक और खड़े होकर बातें कर रहे हैं। मोहन कहता है, चलो हरीश कक्षा में चलें, खेल घंटे भी खत्म होने वाली है। तो हरीश क्या बोलता है, नहीं मोहन, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तो अभी और खेलूंगा। वह देखो, 10वीं कक्षा के लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं उन्हीं के साथ। तो मोहन कहता है, खेलकूद और शरारत करना, तुमको ये दो ही बातें पसंद है हरीश। तो हरीश कहता है, और क्या, कक्षा में बैठे बैठे शिक्षक से डरते हुए पढ़ते रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मोहन कहता है, इसमें डरने की कौन सी बात है, जब पढ़ना है तब ध्यान लगा के पढ़ना और जब खेलना है तो मज़े से खेलना। तो हरीश कहता है, नहीं मोहन, पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता। कुछ याद करके, अरे हाँ, मुझे एक बात सूझी। तो मोहन ने कहा, कोई शरारत की ही बात होगी। ये देखो, ये बच्चे आपस में, मोहन और जो ये है हरीश, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो मोहन कहता है कि जरूर कोई शरारत की बात सूझी होगी। हरीश ने बोला, आज एक तरकीब करते हैं। मोहन ने कहा, क्या तरकीब, जरा बताना। हरीश कहता है, किसी से कहना नहीं, तू अपना कान इधर ला। और कान में वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके कुछ बताता है। क्यों, मज़ा आएगा ना, आएगा ना मज़ा, मोहन कहता है असहमत होकर। लेकिन हरीश कहता है, लेकिन कुछ नहीं, कक्षा के सब लड़के खूब हंसेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो मोहन कहता है, नहीं यार। हरीश कहता है, अरे चल ना, अभी तो तू कह रहा था कि कक्षा में चलें, चल। दोनों जाते हैं। अब क्या है, अब दूसरा सीन, दूसरा दृश्य। कक्षा में पीरियड लगने से पूर्व बच्चे अपने अपने धुन में नाच गा रहे हैं। मोहन और हरीश मंच के एक ओर आकर बातें करते हैं। वो दोनों अलग कुछ बात कर रहे हैं और दूसरे बच्चे कुछ मजे से नाच गा रहे हैं। तो हरीश कहता है, मोहन, इस समय किसी का ध्यान मास्टर जी की मेज कुर्सी की तरफ नहीं है। तीन टांगों वाली कुर्सी के साथ उसकी टूटी हुई चौथी टांग ऐसी फिट कर देता हूँ कि टूटी हुई नहीं दिखे, और जैसे ही मास्टर जी उस पर बैठेंगे और धड़ाम। मोहन ने कहा, अच्छा, मगर अपना काम जल्दी से कर, घंटी बजने वाली है। तो देखा आपने, हरीश कितनी गलत शरारत कर रहा है और वो भी मास्टर जी के साथ। तो मोहन कहता है, अच्छा, मगर अपना काम जल्दी से कर, घंटी बजने वाली है। मोहन कक्षा के बाहर जाकर तीन टांगों वाली एक कुर्सी लाता है। उसकी चौथी टांग पाया जाए उसके हाथ में है, जिसे वह मास्टर जी की मेज के पास लाकर कुर्सी में फिट करके रख देता है। कक्षा की पहली कुर्सी जल्दी से बाहर रख आता है। बच्चे अपनी धुन में हैं। मोहन के करीब आकर वह मुस्कुराता है। कक्षा में वही शोर के बीच घंटी बजने पर बच्चे कुछ शांत होते हैं, किंतु चुन्नू के सावधान करने पर सब बिल्कुल चुप होकर अपनी सीट पर चले जाते हैं। मतलब घंटी बज जाती है और सब बच्चे बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। चुन्नू ने कहा, अरे सब चुप हो जाओ, मास्टर जी आ रहे हैं। सब चुपचाप बैठने लगते हैं। मास्टर जी कहते हैं, बच्चों ये बताओ कि आज कौन सा वार है। तो कुछ बच्चे कहते हैं एक साथ कि शनिवार। चुन्नू कहता है, शनिवार सर, आज शनिवार है। तो मास्टर जी कहते हैं, पिछले दिनों मैंने तुम्हें बताया था कि आज के दिन हम कुछ नया शुरू करेंगे, आज क्या होगा याद है।
तो कुछ बच्चे कहते हैं हाँ सर याद है। मास्टर जी ने कहा क्या याद है? तो बच्चे बोलते हैं आज बाल सभा है। मास्टर जी ने कहा क्यों हरीश, ये ठीक कहते हैं? हरीश ने बोला हाँ सर। मास्टर जी कहते हैं चुन्नू मोहन तुम क्या कहते हो, बाल सभा शुरू करें? तो चुन्नू कहता है हाँ सर शुरू कीजिए। मास्टर जी कहते हैं देखो बच्चों आज की बाल सभा हम खास तौर से मनाना चाहते हैं। मोहन ने कहा वो कैसे सर? तो मास्टर जी कहते हैं वे ऐसे कि आज हमारी बाल सभा का पहला दिन है और आज कुछ नई बात होनी चाहिए, इसलिए आज की सभा का अध्यक्ष भी तुम लोगों में से ही एक चुना जाएगा, क्यों ठीक है? तो सब बच्चे कहते हैं ठीक है ठीक है। तो चुन्नू कहते हैं सर आप जिसे कहेंगे वही अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा, क्यों भाई हो? सब बच्चे कहते हैं ठीक है ठीक है। तो मास्टर जी कहते हैं तो आज की बाल सभा के लिए हरीश कुमार वर्मा को अध्यक्ष घोषित करता हूँ। और सब बच्चे ताली बजाते हैं, यानी कि मास्टर जी किसको बनाते हैं, अध्यक्ष हरीश को, जो बहुत शैतान बच्चा था। तो हरीश संकोच के साथ, मतलब थोड़ी सी शर्म, थोड़ा शर्मिंदा के साथ, लेकिन सर मैं तो, तब मास्टर जी ने कहा भाई ये तो सारे विद्यार्थियों का फैसला है, तुम्हें सबकी बात रखनी पड़ेगी, आओ और अध्यक्ष की कुर्सी संभालो। बच्चे फिर ताली बजाते हैं। मोहन ने कहा हौले से जरा संभल कर बैठना, तेरी शरारत खुद तेरी मुसीबत ना बन जाए, है ना, तेरी शरारत खुद तेरी मुसीबत बन रही है। तो हरीश संभल कर कुर्सी पर बैठता है। भाइयों आज की बाल सभा का अध्यक्ष बनाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ये कौन कहता है? ये हरीश कहता है। और सब ताली बजाते हैं, सभा की कार्यवाही शुरू की जाए। मास्टर जी ने कहा हाँ, तो सबसे पहले चंद्र कुमार यानी चुन्नू आपको दो छोटी कविताएं सुनाएंगे। मोहन ने कहता है स्वागत। अरे ये हरीश तो ऐसा अधर होकर कुर्सी पर बैठा है, थोड़ा ध्यान चूका। और तो ये क्या, ये कौन कह रहा है? ये उसका दोस्त मोहन कह रहा है। ठीक, चुन्नू फिर अपनी कविता सुनाता है। साथियों मेरी पहली कविता का शीर्षक है राशन कार्ड। राशन के दफ्तर में जाकर बोले बंदर लाल, भाव चढ़ गए इतने जिसकी मिलती नहीं मिसाल, अब चोरी से भोजन पाना हुआ बहुत ही हार्ड, जल्दी से बनवा दो भाई मेरा राशन कार्ड। और सब बच्चे ताली बजाते हैं, सब बच्चे हंसते हैं और फिर हंस के वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे तालियां बजाते हैं। फिर चुन्नू कहता है मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है सच का ठाट। सुनो ध्यान से इसको नेक बात पते की कहता एक, सच का ठाट निराला है झूठे का मुंह काला है, उजला मन हो नियत ने देगी मुश्किल घुटने टेक, जो सच का रखवाला है धरती का उजियाला है। और सब बच्चे तालियां बजाते हैं। मास्टर जी कहते हैं वाह भाई वाह चुन्नू, तुमने तो अच्छी कविताएं सुनाई, अगली बाल सभा में हम तुम्हें पुरस्कार देंगे। तो कुछ बच्चे फिर से तालियां बजाते हैं। अब तुमको अनिल कुमार बत्रा कुछ चुटकुले सुनाएंगे, आओ अनिल। और फिर अनिल जो एक और बच्चा था वो चुटकुले सुनाता है। तो अनिल कहता है महेश ने सुरेश से कहा मेरी घड़ी खो गई है, तुमने देखा क्या? सुरेश बोला नहीं नहीं मगर वो तो चलती थी या बंद थी? महेश ने कहा चलती थी। सुरेश बोला तब तो कहीं चली गई होगी। और सब बच्चे हंसने लग जाते हैं क्योंकि उसका चुटकुला था ही इतना मजेदार। और फिर अनिल एक दूसरा चुटकुला सुनाता है। सेठ जी ने नौकर से कहा मैंने तुझे कब से आवाज़ लगा रहा हूँ? नौकर ने कहा मगर मालिक मैंने तो सुने ही नहीं। सेठ ने कहा तो कम से कम इतना कह देता कि मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, है ना? तो ये भी कितना मजेदार है। सब हंसते हैं, हंसी के दौरान हरीश भी हंसता है। तो अचानक उसकी कुर्सी का चौथा पाया जो था वो टांग से अलग हो जाता है और फलस्वरूप हरीश गिर जाता है। कक्षा में भगदड़ मच जाती है, ये देखो हरीश गिर गया। और उसने किसके लिए रखी थी कुर्सी? मास्टर जी के लिए, और खुद ही गिर गया था, खुद ही बैठना पड़ा और गिर गया। फिर भगदड़ मच जाती है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अध्यक्ष गिर गए, हरीश कुर्सी से गिर गया, चोट आई होगी आदि की आवाज़ के साथ सब बच्चे हरीश के पास इकट्ठा हो जाते हैं। मास्टर जी कहते हैं चुन्नू जाओ जल्दी से प्राथमिक उपचार का बक्सा ले आओ, हरीश की कुर्सी को कुर्सी उलट जाने से चोट लगी है। चुन्नू ने कहा जी सर अभी लाया। मास्टर जी हरीश को उठाते हुए देखो हरीश संभल कर उठना। हरीश आहत हो के सर बहुत दर्द हो रहा है। मोहन ने कहा सर ये तो हरीश की अपनी शरारत थी जो खुद इसके गले पड़ गई। सर यह तो चाहता था कि आप इस कुर्सी पर बैठें। देखा उसके दोस्त मोहन ने हरीश की बात मास्टर जी को बता दी।
मास्टर जी ने कहा मुझे पता था मोहन, क्योंकि कल मैंने इस टूटी हुई कुर्सी को पास वाली कक्षा में देखा था और इस कक्षा में प्रवेश करते ही मैं इस शरारत को समझ गया था। हाँ, शरारती का पता मैंने उसके हाव भाव से लगाया। चुन्नू का फर्स्ट एड बॉक्स लेकर प्रवेश। चुन्नू कहता है लीजिए सर, हरीश की मरहम पट्टी कर दीजिए। मास्टर जी मरहम पट्टी करते हैं। हरीश कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आइंदा मैं कभी ऐसी शरारत नहीं करूँगा। मास्टर जी ने कहा देखो बच्चों, आज की इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद इस गड्ढे में गिर जाता है और सब हरीश की ओर देखते हैं और पर्दा गिरता है। तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या समझा? हमने इस पाठ से यही समझा कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दूसरों का बुरा करते करते वो बुरा हमारे साथ ही ना हो जाए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कई बार हम खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं, जैसा कि हरीश के साथ हुआ। और मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम करते हैं कठिन शब्द। क्रिकेट शीर्षक आइंदा, असहमत मुश्किल पट्टी, कुर्सी पुरस्कार, गड्ढा शनिवार, चुटकुले विद्यार्थी और प्राथमिक। अब है शब्दार्थ। तरकीब यानी उपाय, असहमत यानी सहमत नहीं होना, वार का अर्थ है दिन, संकोच का अर्थ है झिझक, कार्यवाही यानी कार्यक्रम, अधर का अर्थ है टिककर नहीं बैठना, घुटने टेकना हार मान लेना, प्राथमिक उपचार चोट लगने पर डॉक्टर के पास ले जाने से पहले किया गया उपचार, आहत यानी चोट खाना और आइंदा यानी भविष्य में। और इसके बाद प्रश्न है हरीश को क्या पसंद था और क्या नापसंद। हरीश को पसंद था शरारते करना और खेलना, और नापसंद उसको क्या चीज़ नहीं पसंद थी, पढ़ाई करना। मास्टर जी ने सभा का अध्यक्ष किसे बनाया और क्यों? मास्टर जी ने सभा का अध्यक्ष हरीश को बनाया और क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हरीश ने ये शरारत की है, इसीलिए उन्होंने बनाया कि कुर्सी पे बैठेगा। मास्टर जी के पूछने पर बच्चों ने कौन सा दिन बताया? बच्चों ने बताया कि आज शनिवार है। चुन्नू ने कितनी कविताएँ सुनाई? चुन्नू ने 2 कविताएँ सुनाई। और अब क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। हरीश कैसा बच्चा था? पढ़ाकू, शरारती, लड़ाकू, होनहार। हरीश एक शरारती बच्चा था। शिक्षक से डरते हुए कौन से बच्चे पढ़ते हैं? जो स्वभाव से डरपोक होते हैं, जो पूरा ध्यान लगाकर नहीं पढ़ते, जो शरारती होते हैं, जिन्हें शिक्षक पसंद नहीं करते। शिक्षक से डरते हुए वो बच्चे पढ़ते हैं जो शरारती होते हैं। और इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मोहन और हरीश कक्षा 4 के विद्यार्थी थे। मोहन और हरीश ने मास्टर जी के साथ क्या करने की सोचा? शरारत करने की सोचा। मोहन ने 3 टांगों वाली कुर्सी कक्षा में रख दी। हरीश को अध्यक्ष घोषित किया गया। चुन्नू की कविता का शीर्षक था राशन कार्ड और सच का ठाट, ठीक है। और तो हमने अभी अभी क्या किया? हमने किया रिक्त स्थानों की पूर्ति। और अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम करेंगे किसने कहा, किससे कहा। तो सबसे पहले है, अरे सब चुप हो जाओ, मास्टर जी आ रहे हैं। ये किसने कहा? चुन्नू ने। और किससे कहा? बच्चों से, क्लास कक्षा के बच्चों से। आज एक तरकीब करते हैं, ये किसने कहा? हरीश ने मोहन से। सर बहुत दर्द हो रहा है, ये किसने कहा? हरीश ने किससे कहा? मास्टर जी से। जरा संभल कर पैर बैठना, तेरी शरारत खुद तेरी मुसीबत बन रही है, ये किसने कहा? मोहन ने हरीश से। बच्चों ये बताओ आज कौन सा वार है, ये किसने कहा? मास्टर जी ने बच्चों से। तो अभी हमने क्या कहा, किया है? किसने कहा, किससे कहा, किसने किसे क्या वाक्य बोले। और अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? अब हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर।
हरीश ने बच्चों को तंग करने के लिए क्या शरारत की? हरीश ने बच्चों को तंग करने के लिए क्या बोला? हरीश ने बच्चों को हरीश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हरीश ने मास्टर जी को तंग करने के लिए क्या शरारत की? हरीश ने मास्टर जी को तंग करने के लिए 3 टांगों वाली कुर्सी कक्षा के अंदर रख दी थी। हरीश की तरकीब नाकाम क्यों हो गई? हरीश की तरकीब नाकाम इसलिए हुई क्योंकि मास्टर जी ने उसे ही बाल सभा का अध्यक्ष बना दिया और उसी 3 टांगों वाली कुर्सी पर उसी को ही बैठना पड़ा। बाल सभा में क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तुत किए? बाल सभा में बच्चों ने कविताएं सुनाई और बच्चों ने चुटकुले सुनाए थे। इस तरह से ये कार्यक्रम जो थे ये तुमने किए। चुन्नू द्वारा सुनाई गई एक कविता बताओ। बच्चों ये वाली कविता को आपको याद करनी है। चुन्नू ने 2 कविताएं सुनाई थी, एक थी सच का ठाट और दूसरी थी राशन कार्ड। तो बच्चों ये एक बहुत मज़ेदार पाठ यहीं पे समाप्त होता है। बहुत जल्दी आते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।